नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका स्वागत है। रसाना मामले में जिस तरह से वकीलों पर एलिगेशन लगाए गए थे, जम्मू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के समेत सभी वकीलों पर जो आरोप लगाए गए थे, जो पीड़िता बच्ची की वकील बता रही थी, जो दीपिका राजावत, उन्होंने जो आरोप लगाए थे उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कुछ दिन पहले टीम आई, उन्होंने सारी वहां रसाना में भी मुआयना किया, वहां पर भी देखा, और हाईकोर्ट में भी जो सदस्य हैं जम्मू बार एसोसिएशन के उनसे भी मुलाकात करने के बाद आज जो फैसला आया है, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई ने फाइल की, उसमें उन्होंने जो सीबीआई की डिमांड है उसको एक जायज़ ठहराया है कि सीबीआई की मांग जांच जो है इसमें होनी चाहिए। और दूसरा, जो एलिगेशन दीपिका राजावत की तरफ से लगाए गए थे वो सरासर झूठे थे और उनको सिरे से खारिज कर दिए गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं गगन भसोत्रा जी, जो जम्मू बार एसोसिएशन के सदस्य हैं। गगन जी, एक तो आज बड़ा एक जो फैसला आया है, बड़ा ही एक वकीलों के लिए एक बड़ा खुशखबरी वाला एक फैसला है, तो किस तरह से लेते हैं सर आप इसको कि जिस तरह से आज बार काउंसिल ने ये रिपोर्ट पेश की है? आज सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली हमारे स्टैंड को विंडिकेट किया है। उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो जे एन के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो हड़ताल की थी 3 अप्रैल 2018 को, जिसमें सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए हमने डिमांड की थी रसाना मर्डर और रेप केस में, उसमें उन्होंने ये लिखा है, कहा है कि वकीलों की जो डिमांड थी बिल्कुल जायज़ थी और जस्टिफाइड थी। दैट मींस कि उन्होंने चार्जशीट में जो पुलिस वालों ने चलान फाइल किया और उन्होंने अपने फीडबैक से, क्योंकि उन्होंने सभी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स कठुआ में और जम्मू से उनसे उनकी इंटरेक्शन हुई थी, जिसमें वकील भी आ जाते हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स के लोग भी आ जाते हैं, विक्टिम की फैमिलीज भी आ जाती हैं, वहाँ के गाँव के लोग भी आ जाते हैं और जजेस भी आ जाते हैं, सभी से उन्होंने मिलके सभी से करके, और वुमेन लॉयर्स भी आ जाती हैं, जो कंप्लेनेंट जो हैं लॉयर मैडम दीपिका रजावत, उनसे भी उनकी बड़ी डिटेल्ड इंटरेक्शन हुई थी, और उसके सारे उसके कंक्लूजन के बाद उन्होंने ये कंक्लूजन में ये पहुँचे कि जो हमारी जो डिमांड थी एसोसिएशन की वो बिल्कुल जस्टिफाइड थी। जिस तरह से बसोत्रा जी, दीपिका राजावत ने जो आरोप लगाए थे उसको फिर जिस तरह से नेशनल मीडिया ने एक तरह से उसको, जिस तरह से वकीलों की छवि को खराब करने की जो रिपोर्टिंग हुई थी उस समय, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? रिपोर्टिंग का दौर क्या कुछ एसी वाले रूम में बैठकर होना चाहिए या ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए? हालांकि बाद में जिस तरह से ग्राउंड पे जाकर जो रिपोर्टिंग हुई है कुछ चैनल्स ने की है, उसके बाद तो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है सर। हाँ, ये बहुत एक लेसन है खास करके एक नेशनल मीडिया के लिए और सभी के लिए कि कभी भी कोई कंक्लूजन को अराइव करने के लिए हमें एकदम नहीं डिसीजन लेना चाहिए, हमें उसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए। और यही हुआ, शायद गलती उनसे सभी से हम सबसे उनसे यही हुई कि वो एकदम सिर्फ एक इमोशन में आके या बगैर उसमें तहकीकात डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके या अपने जो उनकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, एक कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का, उसको कोई शायद नहीं फॉलो कर रहा और एकदम ये कंक्लूजन में और रिपोर्ट देने के लिए उसमें चक्कर में, ताकि टीपीआर आपकी जो रेटिंग है वो बढ़ जाए, व्यूज आपके ज़्यादा बढ़ जाए, उसको देख के आप वो जो है कुछ मीडिया चैनल्स वो देते हैं इसको पब्लिश करते हैं, ऐसी सेंसलाइज करते हैं जैसे कि कोर्ट में अभी ट्रायल चल रहा है तो मीडिया ट्रायल जिसको हम कहते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस पर सभी को थोड़ा सा रिस्ट्रेन करना चाहिए और लॉ को पूरा अबाइड करना चाहिए ताकि जो अच्छी जो सही जो बात है जो सच है वो सामने आए। तो इस मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं, जिस तरह से बसोत्रा जी ने भी बताया कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है वो करना भी एक बेहतर होता है, तो ललित जी जिस तरह से बसोत्रा साहब ने भी बताया कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ये एक पत्रकार के अंदर एक जुनून भी होता है और पत्रकारिता का मतलब ही वही है कि आप न्यूट्रल होके चलें, तो जिस तरह से नेशनल चैनल्स ने दिखाया था, तो आप किस तरह से समझते हैं इस तरह की, आपको भी काफ़ी साल हो गए पत्रकारिता करते हुए? देखो अमित, जिस तरह से मैं साफ कहूंगा कि नेशनल, देखिए इसमें बार बार मैं राष्ट्रीय जो चैनल है इनका एक दायित्व बनता है, क्योंकि आपको देखो जो लोकल मीडिया होता है उसको सिर्फ लोकल ही देखता है, मतलब यहाँ के लोग, लेकिन नेशनल मीडिया को पूरी पूरा देश देखता है, बाहर के मुल्क भी देखते हैं। और जिस तरह से बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू के जो सदस्यों पर जो आरोप लगाए गए और जिस तरह से हाइप दी गई और जिस तरह से सेंसेशनल तरीके से ये कहा गया, तो मैं सुन रहा था जिस तरह से बार बार सलाथिया साहब पर ये कहा जा रहा था, हालांकि मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी एक आप वकील हैं, वकीलों का काम है न्याय के लिए मांग करना। और जम्मू बंद पे मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने साफ कहा था कि हम एक तो रोहिंग्यास का मसला लेंगे,
दूसरा जो ट्राइबल अफेयर्स है वो लेंगे, तीसरा सीबीआई की डिमांड करना। देखिए रसाना केस में अब क्या चल रहा है कि जो भी सीबीआई की डिमांड कर रहा है उसे कहीं ना कहीं आरोपियों के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या इससे पहले देश में सीबीआई नहीं हुई? क्या इससे पहले जम्मू में, जम्मू कश्मीर के जो केसेस थे उसमें सीबीआई नहीं हुई? आपके सामने उदाहरण है, चाहे स्कैंडल श्रीनगर का देख लीजिए, शोपिया में जो दो लड़कियां मरी थी, बाद में पता चला था वो डूबकर मरी, उनकी मौत हुई थी, क्या उसमें सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई थी? देखिए आप सरकार चला रहे हैं, जब आप सरकार चला रहे हैं तो आपको एक पक्ष के नहीं सुननी पड़ेगी, आपको आवाम के लिए सोचना पड़ेगा। और पत्रकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही होती है कि आप भावनाओं में मत बहकिए। देखिए उस तरह से, मतलब मुझे तो लगता है पूरी वकील बिरादरी को ही एक किस्म का दाग लगा दिया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया अगर उन्होंने संज्ञान ना लेता, देखिए ये भी बड़ी सोचने वाली बात है, क्यों बसोत्रा साहब, अगर बीसीआई अगर संज्ञान लेता तो आज भी आपके दामन पर यही दाग लगे रहते। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट, हम जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उन्होंने नोटिस इशू किया था, वी वेलकम डेट डेट ओनली, और उसी से हुआ कि जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की, और अगर ये पूरी इन्वेस्टिगेशन वो करके वो नहीं करते तो हमारे लिए तो ये पूरी उम्र का दाग था और हम इसको कैसे मिटाते। और ये हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ आज। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, सीबीआई, आप देखिए कितने केसेस हैं, ये शुपियां में एक हुआ था 2009 में, उस पर सीबीआई की जांच हुई और बाद में पता चला कि वहाँ के कुछ डॉक्टर्स ने वो एविडेंस फैब्रिकेट की थी और आर्मी पर्सन उसमें बिल्कुल उनके कोई मुलव्वज़ नहीं थे। फिर आप लेटेस्ट आ जाइए, रिहान इंटरनेशनल स्कूल जो गुड़गांव में हुआ था, वहाँ पे भी पहले उन्होंने स्टेट पुलिस ने ड्राइवर को पकड़ा और उसके बाद पता चला कि वो एक बच्चे ने ही उसका वो किया था। ऐसे इतने सीबीआई मर्डर के इतने केसेस हुए हैं सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन। मैं अभी फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका कोई जो रसाना मर्डर रेप केस में हम उनका जो मुलजिम है उनका हम पक्ष ले रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं ले रहे, हम सिर्फ बच्ची को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो टीम थी यहाँ की, जिसमें दो मेंबर्स, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, दो मेंबर्स उसमें टेंटेड हैं, दो मेंबर्स उसमें टेंटेड हैं, आप ऐसी इन्वेस्टिगेशन में कैसे आप विश्वास कर सकते हो और कैसे आप पब्लिक का कॉन्फिडेंस रिस्टोर कर सकते हो? और अगर आप वो चार्जशीट भी अगर आप पढ़ेंगे एज अ लॉयर, वो 221 विटनेस पे पूरा केस बना है, जैसी उन्होंने वो स्टोरी बनाई है, जो उन्होंने मोटिव एट्रीब्यूट किए हैं, जो उन्होंने सीज किए हैं, हेयर स्टैंड सीज किए हैं एक महीने के बाद, वो ऐसे लगता है कि वो इन्वेस्टिगेशन जिस डायरेक्शन में चलनी चाहिए थी वैसे नहीं चली। मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा, आपने क्राइम ब्रांच की पूरी जो चालान पेश हुआ उसकी रिपोर्ट तो पढ़ी होगी, क्या उसमें ये, मतलब एक महीने के बाद वो बच्ची का बाल वहाँ पे मिलना, उससे पहले तो उस मंदिर जो देवस्थान है वहाँ पे तो हजार, मतलब जो उनका एक कुंभ है वो वहाँ पे आता जाता रहता है, क्या वो एक बाल वहाँ पे रह सकता है? दूसरा ये है, क्या क्राइम ब्रांच ने फिंगरप्रिंट्स के वहाँ पे लिए हुए हैं? ये क्योंकि ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई ना अगर वो लोग इन्वॉल्व थे तो किसी ने तो गेट खोला होगा, गेट तो खोला होगा ना किसी ने, चाहे तीन गेट हैं, तीन उसके एंट्री से किसी ने गेट खोला होगा, वहाँ पे क्या कहते हैं फिंगरप्रिंट्स भी लिए होंगे, तो क्या ये चीज़ें भी उन्होंने अपने चार शीट है जो चालान पेश किया उसमें ये मेंशन किया है कि हाँ जी इनके ऐसे इस तरह से पूरा एक सीक्वेंस वाइज हमने ये की है? फिंगरप्रिंट्स का तो उसमें कोई ज़्यादा मैं जिक्र नहीं है ही नहीं मेंशन, लेकिन हेयर स्टैंड जो उसमें वो विक्टिम के सवाल उठता है ना फिर, हाँ जो वो सिर्फ एक ही केस पे रिलाई कर रहे, उसका वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस का है, तो वन ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिलाई कर रही है जो हेयर स्टैंड विक्टिम का वहाँ पे जो कहते हैं देवस्थान से मिला था। अब बात ये आ जाती है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो जो बाल है वो क्राइम ब्रांच को जब इन्वेस्टिगेशन हैंड ओवर हुई थी उसके भी 13 दिन के बाद वो सीज हुआ है, 13 मुझे एग्जैक्टली दिन नहीं पता, उसके बाद सीज हुआ है, तो क्या वो 13 दिन क्राइम इन्वेस्टिगेशन क्या करती रही, वो बाल पहले क्यों नहीं वो देख पाए? तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क है जो उनको कोर्ट में जाके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस में जिसमें कोर्ट एक एडवर्स इन्फ्रेंस भी ड्रॉ कर सकती है अगेंस्ट दी प्रोसिक्यूशन। तभी हम बात पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दीजिए ताकि जो सही जो कल्प्रेट्स हैं, सही जो मुलजिम हैं उनको पकड़ा जाए और उसको बच्ची को बेचारी को इंसाफ मिले। हम तो यही कह रहे हैं, हम तो कभी नहीं कहा कि मुलजिमों को आप उनको छोड़ दीजिए या उनको उनको बिल्कुल पकड़िए, अगर ये मुलजिम है तो उनको भी पकड़िए, उनको बिल्कुल अगर हैं और रेप की जो उनकी है बिल्कुल सजा दीजिए, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कीजिए। साइंटिफिक आपके पास साइंटिफिक पूरे आजकल आपके पास किट्स हैं, लेटेस्ट डेटा है आपके पास, हर चीज़ आपके पास इन्वेस्टिगेट जो सीबीआई के पास है, तो अगर वो आप कर लें तो उनको क्या हरत है? और सीबीआई पे अगर हम कोई इन्वेस्टिगेशन मांग रहे थे तो क्या ये कम्युनल हो गया? हम तो बच्ची के लिए मांग रहे थे और अनफॉर्चुनेट है। हाँ अमित, सबसे बड़ा एक बात ये है कि जो गुज्जर बकरवाल समाज है
अभी ये बात कर रहे थे किसी से, साफ है कि देखिए हमारे यहाँ पे जो दूध की जो कमी है उसको पूरी कौन करता है? गुज्जर बकरवाल समाज ही करता है। एक इतने मतलब हम रग रग में हमारी जो संस्कृति है एक दूसरे में बसी हुई है और ये पिछले काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यहाँ पे आए होंगे तो इनको टारगेट किया हो। उसके बाद इस केस के बाद भी अगर आप देखें तो गुज्जर जो समाज है वो यहाँ से, जो बकरवाल समाज है वो यहाँ से भागा नहीं है। हालांकि रिपोर्टिंग में ये कहा गया था कुछ चैनल्स ने, कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल चैनल्स का एक बहुत बड़ा दायित्व बनता है, और रिपोर्टिंग में जिस तरह से बताया गया था कि डर के मारे यहाँ से भाग गए, उनको खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए बकरवाल समाज। देखिए ये वो दौर है, ये वक्त है उनका यहाँ से जाने का। हर साल ऐसा ही होता है कि जैसे गर्मी शुरू होती है यहाँ पे, क्योंकि उनको वो पेड़ वगैरह सूख जाते हैं, हरियाली यहाँ पे नहीं मिलती, तो अपने जो उनके पशु हैं उनको चराने के लिए वो ऊपर वहाँ पे पहाड़ों में पहाड़ों पर चले जाते हैं। और दूसरा था ये भी सवाल उठता है कि वाकई इसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई है कहीं ना कहीं। देखिए एक तो पहले जो विक्टिम है उसकी कभी आइडेंटिटी नहीं दी जाती, पहचान नहीं दी जाती, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको इस जोन के बारे में नहीं पता, जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं पता, बकरवाल समाज के बारे में नहीं पता, तो आप ज़्यादा उस पर मत बोलिए। ये दोनों चीज़ें इसमें हुई हैं जी। देखिए सुनने में तो ये भी आया, और आपको तो आप प्रेस के हैं, जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके बाद एक सिटिंग मिनिस्टर ने ये कहा कि वो एक बकरवाल बच्ची का रेप और मर्डर हुआ। अब आप बताइए एक सिटिंग मिनिस्टर जब ये वर्ड यूज़ करता है बकरवाली बच्ची का रेप एंड मर्डर हुआ है तो क्या उसे कम्युनल नहीं होगा? एक सिटिंग मिनिस्टर को क्या ये उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता कि उसको कैसे कंडक्ट करना है? जान से पहले जी, वैसे ही सीएम ने भी अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी थी, अभी वो रिपोर्ट का पता नहीं था, पहले कैसे सीएम ने ये ओपिनियन दे दी जी वो रेप हुआ। तो इसको सारे इश्यूज को ऐसे कम्युनलाइज किया गया पॉलिटिकली। समझना चाहूंगा जिस तरह से आपने कहा कि सीएम को कैसे पता कि रेप हुआ, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई थी, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले ये कैसे? क्या अब पूरी ताकत, अगर हम क्राइम ब्रांच की जो चालान शीट है उस पर भी कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्या ये अब पूरा जो तंत्र है ये कहीं ना कहीं अब सीएम महबूबा मुफ्ती का जो वक्तव्य आया था उसको सच करने के लिए? अब तो देखिए अगर सीएम का ये वक्तव्य झूठा होगा तो कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठेंगे। आपको क्या लगता है कि इस महबूबा मुफ्ती के इस बयान को सही साबित करने के लिए ये जाँच एजेंसियाँ जो आप कह रहे हो उसमें लूप होल्स हैं, अब उसको सच साबित करने के लिए कोशिश की जा रही है? जी देखिए जो सीएम है वो मिनिस्टर हैं होम डिपार्टमेंट की, मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज, और जो ये जो क्राइम ब्रांच आती है ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होम डिपार्टमेंट के अंडर आती है। अब देखिए अब इस केस को जैसे आपने कहा इसको बहुत ज़्यादा कम्युनल, बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसको बहुत कम्युनल और पॉलिटिकल कलर दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसको पॉलिटिकल कलर देने से जो कुछ फोर्सेस या कुछ पार्टीज थी जो अक्रॉस दी वैली हैं उनको सूट करता है, और एक एंटी नेशनल फोर्सेज को भी एक स्पेस मिल गई टू क्रिएट ए वेज बिटवीन डोगराज एंड गुज्जर बकरवास। जैसे आपने कहा ठीक कहा कि गुज्जर बकरवास हैव बीन ए पार्ट ऑफ आर डोगराज कल्चर एंड इथोस, दे हैव बीन आर ब्रदर्स, हमने मरना जीना इकट्ठा है जी जी। तो लेकिन कुछ एंटी नेशनल फोर्सेज और कुछ पॉलिटिकल फोर्सेज भी जिनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, जो यही चाहती कि गुज्जर बकरवास डोगराज के साथ जम्मू में उनके साथ वोट दें, वो ये चाहते हैं कि वो उनको वोट दें, इसलिए उन्होंने ये वेज क्रिएट किया और इस कलर इस केस को भी इसको कम्युनलाइज और पोलिटिकल करने की कोशिश की ताकि जो उनके जो वोट्स हैं वो कंसोलिडेट हो, जितनी पोलराइजेशन हो, देखिए जितनी पोलराइजेशन होगी तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को सूट करता है, वही वो उन्होंने पूरी कोशिश की करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली बच्ची को जिसको इंसाफ मिलना चाहिए वो इंसाफ मिल नहीं रहा बच्ची को, जो हम हमेशा पहले दिन से कह रहे हैं। सोत्रा साहब अभी इस पर जो सांझीराम एक्यूज बताए जा रहे हैं चार्जशीट के मुताबिक, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई इंक्वायरी के लिए पिटीशन दायर की गई थी उस पर शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि कल उस पर सुनवाई भी होनी है, हेयरिंग भी होनी है। तो कुछ दिन पहले एडवोकेट जो विनू गुप्ता जी हैं उनकी तरफ से जो एसआई जो आनंद दत्ता और दीपक खजूरिया की तरफ से भी जो पिटीशन जम्मू हाई कोर्ट में डाली गई है, तो उसके बाद सारे मामले में क्या लगता है? हालांकि फैसला हाईकोर्ट माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है, आप एक एडवोकेट है तो आपको क्या लगता है इसमें किस तरह से उनके लिए क्या रहे? देखिए उन्होंने अभी उनका हर एक अक्यूज को एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वो एंटाइटल्ड है तो वो अवेल कर रहा है। अब कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्या क्या ऑर्डर करती है वो मेरे लिए उचित नहीं होगा क्योंकि मैटर सब्जेक्टिव है, तो ये अब कोर्ट के में ही है और कोर्ट ने ही उस पर क्या लेना है, क्योंकि सुनने में आया है कि शायद स्टेट को भी नोटिस गया है तो स्टेट भी अपनी पक्ष लेगी, उसके बाद कोर्ट जो करेगी और वी विल वेलकम दैट। गगन साहब इसे एक बड़ी बात कही जाएगी, जहाँ पर सरकार सीबीआई इंक्वायरी को संजीदगी से नहीं ले रही थी, सिरे से नकार दिया, हालांकि फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा कल की, जिस तरह से अमित कह रहे हैं कि
जो अक्यूज है उनकी तरफ से जो PIL दाखिल की गई, याचिका दाखिल की है कि हाँ इस पर कंसिडर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब इस याचिका को अपने ऊपर लेना और संज्ञान लेना और कल उस पर सुनवाई करना, ये भी तो एक बड़ी बात होगी कि जिस CBI की इंक्वायरी को स्टेट ने मना कर दिया उसे सुप्रीम कोर्ट अब देख रही है कि हाँ होगी या नहीं होगी, ये फैसला अलग चीज़ है। ये तो देखिए, ये तो आप देखिए, जो हमारी डिमांड थी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ही, जो इतनी टॉप की कमेटी हेडेड बाय ए फॉर्मर चीफ जस्टिस आई, उसी ने कह दिया कि हमारी डिमांड जस्टिफाइड है, उससे ज़्यादा और क्या कहेंगे। मुझे नहीं लगता अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग होगा, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, एज ए लॉयर आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन डैट बिकॉज दी मैटर वुड बी सब जुडिस एंड इट वुड नॉट बी नाइस टू और एंड इट डजेंट लुक बिहो फॉर मी टू इवन कमेंट ऑन ए मैटर विच इज पेंडिंग बिफोर ए सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट। सर एक सवाल मेरी तरफ से है, आप कितनी राहत महसूस कर रहे हैं जिस तरह से मतलब पूरी वकील बिरादरी पर ये आरोप लगना शुरू हो गए थे कि ये आरोपियों के पक्ष में हैं, हर यहाँ पे एक जुलूस निकाला गया, रैली निकाली गई, और जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि ये निराधार है और जो दीपिका रजावत की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो भी निराधार है, अब कितना विश्वास और लोगों, देखिए लोगों में भी ये कहीं ना कहीं मैसेज तो गया होगा कि हाँ जी वकील तो आरोपियों के साथ है, ये क्या हमें न्याय दिलाएंगे। देखिए ये जो आज की न्यूज़ आई है इससे पूरी JNK हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, ऑल दी मेंबर्स आर वेरी हैप्पी, देयर स्टैंड्स गेट विंडिकेटेड। जो जनरल बॉडी हाउस में 3 अप्रैल को जो रेजोल्यूशन हुआ था वो भी विंडिकेट होता है, और जो बार काउंसिल कमेटी ने जो रिपोर्ट फाइल की थी वो उससे हमारी जो डिमांड्स हैं वो भी जस्टिफाइड हो गई, और जो हमें प्रोजेक्ट किया गया था कि हम प्रो रेपिस्ट हैं वो भी नकारा गया, और इससे हम सब बड़े खुश हैं एंड वी वेलकम इट, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। शुक्रिया बसोत्रा साहब तमाम जानकारी देने के लिए। और एक आखिरी सवाल जो मेरे सहयोगी हैं ललित जी, उनसे मैं पूछना, ललित जी जिस तरह से आज ये फैसला आया है और ये जो रिपोर्ट दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या लगता है जिस तरह से वो जो वकील थी जिन्होंने आरोप लगाए थे, फिर उनका बाद में पता चलता है जो तालिब हुसैन इसमें पहले क्राइम ब्रांच करता रहा, फिर उसके CBI इंक्वायरी पहले बोल रहा था, फिर उसको क्राइम ब्रांच में सेटिस्फेक्शन हो गई, लेकिन फिर देखने में आया कि उसका नज़ाकत खटाना जो उसका साथी था उसने फिर बाद में मीडिया में बताया कि किस तरह से तालिब हुसैन क्या था और आज वो किस तरह से बायर जाता है, दिल्ली रहता है 15 दिन। अब पूरा तफ्तीश करेंगे कि क्या था उसमें, और खटाना जो कह रहे हैं कि वो बायर जाता, देखिए ये आपस की, देखिए अगर तो पैसों का लेन देन हुआ है इसमें और अगर उस बच्ची के नाम पे पैसे इकट्ठे हुए हैं, तो देखिए पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सबकी पोल खोलता है। अगर तो खटाना जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका ये कहना है, या तालिब हुसैन जिस तरह से आप कह रहे हो कि बाहर जाते हैं, वो तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा, उस पर भी जाँच तो होगी, और पैसा यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएगा तो वहाँ पर रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी बात, देखिए जैसा भी हो आपकी जो लड़ाई है, आपकी लड़ाई ये होनी चाहिए कि जो सही आरोपी है, जो कोर्ट ही वो डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी अगर जो सही आरोपी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उस बच्ची के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रोज़ ना रोज़ आप जो नई कहानी देखने को मिलती है, जो नया मोड़ हर एक तफ्तीश के बारे में पता चलता, अखबारों के हवाले से जब पता चलता है कि हाँ जी रेप हुआ ही नहीं था, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन फिर भी अब सवाल यह है कि उस बच्ची को इंसाफ किस तरह से दिलाया जाए, और कोर्ट अब ये डिसाइड करेगा जो कल की सुनवाई है उस पर कि क्या इस पर CBI की इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे में पीछे रही, लोगों को विश्वास कायम करने में ये फेल साबित हुई है सरकार, क्योंकि सरकार को चाहिए था कि हर पक्ष की बात सुनना, ज़रूरी नहीं है कि अगर CBI की इंक्वायरी कोई डिमांड करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपियों के पक्ष में बोल रहे हैं, या फिर वो जिन पर बलात्कार का आरोप लगा है कि सबके सब बलात्कारी ही होंगे, और जो दाग लगा हुआ है उसे कहीं ना कहीं धोना अब ये न्यायालय का काम है कि हाँ उस बच्ची के साथ कितनी दरिंदगी हुई। देखिए इतना तो साफ है ना कि उसका तो अब जांच तो होनी चाहिए ना, उस बच्ची को आखिर क्या उस बच्ची का कत्ल, और अगर रेप की बात जो रेप कहा गया, क्या उन्हीं आरोपियों ने किया है या उसमें कोई और इन्वॉल्व था, कोर्ट ने अब ये डिसाइड करना है।
ठीक है ललित जी, शुक्रिया इसके लिए। तो तमाम जो जानकारियां आज आपको हमने बताया कि जिस तरह से हमारे साथ एडवोकेट बसोत्रा जी थे, उन्होंने भी बताया कि जो भी एलिगेशन लगाए गए थे वो बीसीआई की जो रिपोर्ट थी उसने सारे एलिगेशन को सिरे से खारिज कर दिया है, और बताया गया उसमें कि सीबीआई की जो डिमांड है वो जायज़ डिमांड थी। हालांकि अब जो फैसला है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फैसला सुनाएगी कि सीबीआई इंक्वायरी होगी या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से बार बार ये एलिगेशन लगाए जा रहे थे वकील दीपिका राजावत की तरफ से या और भी इसमें जो आए दिन नए नए खुलासे हो रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं अब इस चार्जशीट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सरकार पर भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब भी जो भी फैसला आएगा, अगर सीबीआई इंक्वायरी होती है तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो मामला है वो भी केस सुप्रीम कोर्ट में है, सीबीआई इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, तो उसी पर अब नज़र बनी रहेगी। कैमरामैन अश्विनी कुमार के साथ अमिता जरावत, जम्मू लिंक्स न्यूज़।